हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टी नंबर 4। डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर हमें कंडीशन ये याद रखनी है, x इंटू y का जो होगा प्रोडक्शन विच इज लेस देन 1। सेम फॉर्मूला, कंडीशन इज पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इफ कंडीशन इज एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड इट इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन एक्स इंटू वाई बिकम 1। समझ रहे हैं दोस्तों? नेगेटिव में जाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहां पर फॉर्मूला नंबर 1, नंबर 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नंबर 3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड नंबर 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स y। यहां पर हमें कोई भी प्रकार की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसीलिए चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर जीरो भी हो सकता है, तो उनके लिए कंडीशन चेंज होती रहेगी, फॉर्मूला भी चेंज होता रहेगा। क्लियर? अब हम इस फॉर्मूला के हम एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रूफ tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4, ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। सो फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11। फॉर्मूला को देखकर हमें पता चलता है कि हम पहले तीन में से किसी एक फॉर्मूला को यूटिलाइज यहां पर करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन होगी यहां 1 बाई 2 एक्स इंटू वाई, 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 11। यहां पर देखिए दोस्तों, 2 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, 2 इंटू 1 मतलब 2 अपॉन 22, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो दिस वैल्यू बिकम लेस देन 1। तो हम पहले इक्वेशन में जा गिरेंगे, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 11 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 अपॉन 11। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, मान लीजिए यदि कोई तीसरा स्टेप यहां पर होता, हालांकि है नहीं लेकिन होता, tan इनवर्स 1 अपॉन 3 जो भी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी उसे इसके साथ अगेन इस फॉर्मूला को रिपीट करते हुए अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं। नाउ tan इनवर्स एलसीएम लेगी 22, सो 11 प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 22, 22 माइनस 2 डिवाइड बाय 22, 22 कैंसल, tan इनवर्स 11 प्लस 4 15, 20 माइनस 2, 22 माइनस 2 विच इज 20 एंड सिंप्लीफाई इट वी गेट tan इनवर्स 3 अपॉन 4
which is our target means right hand side. क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ऐसे दो तीन और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन नंबर 10 साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 में प्रूव करना है। तो दोस्तों साइन इनवर्स के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, है तो सिर्फ टेन इनवर्स के लिए। तो हमें साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना होगा टेन इनवर्स में, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स में। तो ध्यान से देखिए, बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल मेथड यहां पर, हालांकि एक स्टेप में आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा कंसीडर करते हैं तो 3/5 इज इक्वल टू क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। मान लीजिए इस एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं तो साइन का मतलब होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल में 4 होगी। ओके, तो उसके जरिए हम टेन थीटा फाइंड यदि करना चाहेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 कह सकते हैं। तो ये दोनों थीटा को हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह, ये सिर्फ जानकारी के लिए मैंने यहां पर लिखा है। एक दूसरा ट्राइंगल हम फॉर्म करेंगे यहां पर, मान लीजिए इसे अल्फा एंगल देते हैं तो 8 है तो ये 17 है, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, तो ध्यान से देखिए 17 का स्क्वायर होगा 289 और ये होगा 64, तो 5 2 2, तो ये होगी वैल्यू 15। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब आप समझ गए होंगे यदि यहां पर कॉस इनवर्स है तब भी हमें कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स क्या ले सकते हैं 3/4, यहां पर टेन इनवर्स क्या लेंगे 8/15। अब यहां पर माइनस होने के कारण हम फोर्थ फॉर्मूला में आ गिरेंगे, यहां पर कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि यहां पर प्लस होता तो हम इनमें से कोई एक कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो टेन इनवर्स 3/4 माइनस 8/15 डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 8/15। टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे 60 45 माइनस 32 डिवाइड बाय 60 प्लस 8 24 डिवाइड बाय 60। यहां पर ध्यान से देखिए 60 कैंसल, नाउ वी हैव टेन इनवर्स 25 माइनस 32 5 माइनस 2 3 4 माइनस 3 1 ये वैल्यू होगी 84। अब हम आंसर तक आ चुके हैं बट वी रिक्वायर्ड कॉस इनवर्स इन राइट हैंड साइड, सो अगेन यूजिंग बाय राइट एंगल ट्राइंगल वी मस्ट कन्वर्ट टेन इनवर्स फंक्शन इनटू कॉस इनवर्स फंक्शन, इसी तरह यूज करना है हमें। तो ध्यान से देखिए साइड भी बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए इसे बीटा एंगल फॉर्म करते हैं तो ये वैल्यू है 13 और ये वैल्यू है 84।
स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर जो वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू 84 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का हम स्क्वायर करेंगे, ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 85। देयरफॉर कॉस इनवर्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 84 अपॉन 85 विच इज अवर राइट हैंड साइड। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों, एकदम से क्लियर? इस तरह से हमें एग्जाम्पल में आगे बढ़ना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 में एग्जाम्पल नंबर 3, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से, यहां पर 2 टाइम्स का मतलब क्या होगा, वी टेक LHS 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 का मतलब होगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 2 टाइम्स एडिशन कर रहा है। ओके, सेम वे दोनों सेम फंक्शन है तो एक ही एंगल फॉर्म करते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एडजेसेंट 4 होगी। तो पहले के लिए हम यूज करते हैं 10 इनवर्स, तो वैल्यू लिखेंगे 3/4, यहां पर भी 10 इनवर्स 3/4, दोनों आप समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां पर 3/4 प्लस 3/4 यहां आ गए, ये तीनों में से किसी एक को यूटिलाइज करना है, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 9/16 डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो दिस मल्टीप्लीकेशन में लेस देन 1, सो अप्लाई फर्स्ट वन फॉर्मूला 10 इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 × 3/4, देयरफॉर 10 इनवर्स LCM हम 60 रखेंगे क्योंकि कॉमन डिवीजन कैंसिल करना है, तो 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 16, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, 16 कैंसल, 10 इनवर्स 12 प्लस 12 24, 16 माइनस 9 7 विच इज अवर रिक्वायरमेंट एज RHS। दोस्तों मैं इस फॉर्मूला की फिर से बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यदि इस क्वेश्चन में 1/2 होता, देखो हम सभी संभावनाओं के साथ में एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे, जिससे यदि कोई टेस्ट भी एग्जाम्पल आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यदि 1/2 है यहां पर तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 डिवाइड बाय 1/2। 1/2 को हम बाहर ही रखेंगे, यहां पर 2 टाइम्स का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/5, तो तीनों साइन इनवर्स को हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले दो 10 इनवर्स के लिए ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ में तीसरे को लेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा। मान लीजिए यदि ऐसा ऐसे 4 टर्म्स है, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले दो को साथ में लेके जाएंगे, सेकेंड 2 टर्म्स को भी साथ में लेके जाएंगे और उनका जो रिजल्टेंट आएगा उनकी फिर फॉर्मूला नंबर 4 से हम एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो बिल्कुल इसी तरह आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड एक्सरसाइज 2 में, दोस्तों एक्सरसाइज 2 में एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, इतने क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला
आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं आशा रखता हूं इस वीडियो को दोबारा देखिए, यदि समझ में नहीं आया तो, अदरवाइज आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। थैंक यू।